अधीक्षक कार्यालय में अपने मासूम बच्चे व मां के साथ आंसू बहा रही इस महिला का कसूर इतना था कि इसने अपने पति की दहेज की मांग नहीं पूरी की और इसके पति ने इसे 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली और इसे घर से भगा दिया। बताते चले कि पीड़िता की शादी लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बहाई ग्राम में हुई थी और उसका पति विदेश में नौकरी करता है। नवंबर माह में पीड़िता का पति जब घर आया तो पीड़िता अपने ससुराल पहुंची तो वहां उससे दहेज की मांग की गई, लेकिन उसने असमर्थता दिखाई जिस पर पति ने उसे 3 तलाक देकर भगा दिया और दूसरी शादी कर ली। तब से पीड़िता न्याय के लिए चक्कर काट रही है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। आज फिर वो उसी के लिए SP ऑफिस पहुंची और न्याय न मिलने पर जान देने की बात कही। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे CEO ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं पीड़िता अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय से मुलाकात की जिसके बाद मामले पर कार्यवाही के आदेश दिए गए। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित त्रिवेदी की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है, पुलिस द्वारा क्या विधिक कार्रवाई की है? ये कोतवाली की महिला जिसकी शादी लालगंज क्षेत्र में हुई है वहाँ पर 3 तलाक के मामले में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है यहाँ महिला थाने में, इसकी विवेचना हो रही है और मुजरिमों के खिलाफ और भी आरोप हैं और उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। आज आई हमने बेटा, हमें अपनी जान दे दे, मगर हम घर न जाइए। आज हम घर न जाइए, अपनी जान दे दे।